यह सच्ची कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो प्लेन से सफर कर रहे थे, मगर बीच रास्ते में जब प्लेन पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था तो प्लेन जाकर पहाड़ी से टकरा जाता है। क्या प्लेन में बैठे हुए लोग इस एक्सीडेंट में जिंदा बच पाए होंगे या फिर नहीं? क्या वे पहुंच पाएंगे अपने घर पर? इस कहानी के हर करेक्टर को हम एक नए नाम से बुलाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972। स्टेला मारिस कॉलेज के क्रिश्चियन स्टूडेंट की टीम जो मैच खेलने के लिए चिली जा रही थी एरोप्लेन से, इनका प्लेन एंटीस पर्वत श्रृंखला के ऊपर से गुजर रहा था। यह श्रृंखला दुनिया की ऊंची श्रृंखलाओं में से एक थी, मगर अचानक से सभी टीम मेंबर को लगता है एक जोरदार झटका, जिससे सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि उनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। पायलट समझ चुके थे कि प्लेन क्रैश होने वाला है। अब प्लेन का एक पंख पहाड़ी से जाकर टकराकर टूट जाता है। इस टक्कर से प्लेन के दो भाग हो चुके थे। प्लेन के दो टुकड़े होने से पीछे बैठे हुए पैसेंजर उड़ जाते हैं हवा में, मगर प्लेन का सामने वाला भाग अब भी फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा था और आखिर में जाकर टकरा जाता है एक चट्टान से, जिससे सबको एक जोरदार झटका लगता है और इस झटके में बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। 7 लोग तो पहले से ही मारे जा चुके थे जो प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे हुए थे। अब यहाँ पर काफी लोग घायल थे। जो लोग सही सलामत बचे हुए थे वे घायल लोगों की मदद करते हैं। किसी के सर में चोट आई थी तो किसी का पैर ही टूट गया था। आगे बैठे 2 पायलट में से एक की मौत हो चुकी थी और एक की हालत बहुत ही गंभीर थी। उनके पास आकाश और केशव नाम के 2 लोग आते हैं। पायलट के रेडियो के जरिए ऑपरेटर तक कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने एग्जैक्ट लोकेशन को बता सके, लेकिन रेडियो की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी। अब ये किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद इस पायलट की भी मृत्यु हो जाती है। उसी के साथ 4 और लोग भी मारे जा चुके थे इस एक्सीडेंट में, यानी अब पूरे 6 लोग मारे जा चुके थे। मगर बचे हुए लोगों को उम्मीद है कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। अब रात भी हो चुकी थी। सभी लोग जहाज के टूटे हुए भाग के अंदर जाकर रात गुजारते हैं, मगर ठंड बहुत ज्यादा था और जो लोग जख्मी थे उनकी हालत ठंड के मारे बस से भी बदतर थी। फिर भी सभी लोग रात गुजारते हैं और अब होती है सुबह। सुबह होकर सभी लोग रेडियो को ठीक करने को सोचते, मगर उसकी बैटरी वहाँ पर नहीं थी। रेडियो की बैटरी जहाज के पिछले हिस्से से टूटने के साथ वह भी पीछे ही गिर गई थी। अब यहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए थे सबको बर्फ पर लिटा दिया जाता है, जिसमें से एक औरत की डेड बॉडी भी थी। उस बॉडी को कुलदेव नाम का एक शख्स देखकर उससे माफी मांगता है क्योंकि वो उस पर चिल्लाया था। अब इनके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। खाने के लिए कुछ चॉकलेट थे, पीने के लिए थोड़ा बहुत जूस का इंतजाम था, लेकिन सिगरेट उनके पास बहुत सारा है। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वे राशन को बांटकर खाएंगे, कोई भी ज्यादा नहीं खाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक जीवित रह सके। इसी बीच उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा होने पर सभी लोग बहुत खुश थे कि रेस्क्यू टीम आ रही है, अब वे घर जाएंगे। मगर बादल होने की वजह से रेस्क्यू टीम वाले उन्हें नहीं देख पा रहे थे और ना ही नीचे वाले को हेलीकॉप्टर दिख रहा था, इसलिए कोई फायदा नहीं होता और एक रात उन्हें इस ठंड में बितानी पड़ी। सुबह होने पर सभी लोग खुश थे, उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आएगी। तब तक जीवित रहने के लिए सभी बर्फ को एक सीट पर रखते हैं जिससे वह गर्म होकर बर्फ पानी में तब्दील हो जाए। वहीं पर एक लड़का था नानक, चोट लगने की वजह से वह अभी तक कोमा में ही था, पर जब उसे होश आता तो पता चलता है कि उसका प्लेन क्रैश हो चुका है। वह इस वक्त कोमा में से बाहर आया है। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है, मगर उसकी बहन सोनाक्षी अभी जीवित थी लेकिन बुरी तरह से जख्मी है। कुछ घंटे बीतने के बाद उन्हें फिर से एक हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ता है। सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाने लगते हैं, मगर जहाज वहां से घूमकर निकल जाता है। इस तरह सभी लोगों को यकीन हो चुका है कि अब अगली सुबह हेलीकॉप्टर आएगी। इसी खुशी में सभी लोग रात के वक्त सोने से पहले जितने भी चॉकलेट थे सभी खा जाते हैं। सुबह होने पर सभी बाहर आकर बैठकर इंतजार कर रहे थे रेस्क्यू टीम का, कब वे आएंगे और हमें ले जाएंगे यहां से बचाकर। मगर पूरा दिन इंतजार करने के बाद उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता। अब शाम भी होने वाली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर वालों ने देखा ही नहीं था। अब उन्हें भूख लग रही थी, इसलिए आकाश सबको राशन बांटना चाहता है जो उनके पास चॉकलेट थी। बॉक्स खोलता है तो पता चलता है कि बॉक्स खाली है क्योंकि सारा चॉकलेट तो वे पिछले ही रात खा गए थे खुशी के मारे। आकाश को यह इसलिए पता नहीं था क्योंकि जब सभी लोग चॉकलेट खा रहे थे तो वह सो गया था। ऐसा जानकर आकाश सबसे लड़ने लगता है। अब चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था, पर उन्हें एक उम्मीद नजर आती है कि अगर वे उस बैटरी को रेडियो से कनेक्ट कर दें तो शायद उन्हें रेडियो के जरिए मदद मिल सके, मगर बैटरी उनसे बहुत दूर था। जहाज के पिछले हिस्से के टूटने के साथ वह भी पीछे रह गया था, इसलिए 5 लोगों का ग्रुप बनाकर बैटरी को लेने के लिए निकलते हैं। वे काफी समय सफर तय करने के बाद अचानक से उनमें से एक के नीचे की बर्फ फट जाती है, वह नीचे गिरने लगता है। पर ऐसा होता सभी लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं।
इस मुसीबत से बचकर उन्हें लगने लगा यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं है उनके लिए। रात भी होने वाली थी, सर्दियों का मौसम भी है जब रात बहुत बड़ी और दिन छोटा रहता है, इसलिए पांचों लोग वापस लौट जाते हैं जहाँ पर सभी लोग थे। वह रात भी वे उस टूटे हुए हिस्से के अंदर गुजारते हैं। अगर वह जहाज का हिस्सा ना होता तो वे कब का ही मर चुके होते। सुबह होने से उनमें से एक किसी छोटे से रेडियो के जरिए सुनता है कि अब उन्हें ढूंढना बंद कर दिया गया है क्योंकि सरकार को लगता है इनमें से कोई नहीं जिंदा बचा होगा। उस रात जब सभी लोग सोए हुए थे तभी नानक की बहन सोनाक्षी दम तोड़ देती है नानक के गोद में ही। नानक अब अपनी माँ और बहन दोनों को खो जाने के कारण पूरी तरह से टूट चुका था। अब पूरे 9 दिन बीत चुके हैं, सभी लोग हिम्मत हारते नजर आ रहे थे। इसी बीच नानक सबको बताता है कि बाहर जो मुर्दे हैं हमें उन्हें खाना चाहिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सब जीवित नहीं रह सकेंगे, हमारे अंदर एनर्जी ना के बराबर है। लेकिन सब लोग नानक के इस बात से राजी नहीं थे। अगले दिन जब सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे तो उन्हीं में से एक जिसका नाम है रवि, वह लोगों से कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगर मैं मर गया तो तुम मेरे शरीर को खा लोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं भूत बनकर तुम सबको मार डालूंगा। इस बात से सभी लोग हंसते हैं लेकिन एक एक करके सभी यही बातें करते हैं, यदि कोई भी मरता है तो वह उसके शरीर को खा लेंगे ताकि उनकी जिंदगी बच सके। सुबह होने पर अब उन्हें 10 दिन बीत चुके थे इस पहाड़ी पर, सभी भूख के मारे पड़े हुए थे, उनके सामने डेड बॉडी भी पड़ी हुई है मगर कोई भी उसे खाने को तैयार नहीं था। उनका मानना था कि अगर हमने ऐसा किया तो हम इंसान नहीं रहेंगे। तभी केशव आगे बढ़ता है, उनमें से एक के शरीर के मांस का टुकड़ा निकालकर खा लेता है। अब यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक एक करके ऐसा करते हैं, कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता था मगर ऐसा करना पड़ा उन्हें। एक इंसान होकर दूसरे इंसान को खाना पड़ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा दुखी नानक था क्योंकि उनमें से 2 बॉडी उसके माँ और बहन की थी। सबके खाने के बाद ये तय करते हैं कि ये पीछे जाकर बैटरी को वापस लाएंगे ताकि रेडियो से कॉन्टैक्ट कर सके। तीनों लोग एक दिन का सफर तय करने के बाद रात को ये एक जगह ठहर कर सोने की कोशिश करते हैं मगर वहाँ बहुत ठंड थी, पर जब सुबह होती है तो देखते हैं कि उनके ऊपर बर्फ जमी हुई थी। अब वे आगे का सफर तय करते हैं, उस जगह पर पहुँचते जहाँ पर जहाज का कुछ हिस्सा बिखरा हुआ था। उनके बीच कुछ आदमी भी गिरे पड़े थे जो मर चुके हैं। अब उन सामानों में कुछ चॉकलेट मिलते हैं जिससे वे बहुत खुश थे, लेकिन बैटरी अभी तक उन्हें नहीं मिली थी इसलिए तीनों वापस आते हैं क्योंकि ये अगर यहाँ पर रुके तो ठंड के मारे वैसे ही मर जाएंगे। वापस आकर सभी प्लान करते हैं कि अब जो कुछ भी हो जाए वे खाने पीने का सामान साथ ले जाएंगे, अपने मकसद में कामयाब होंगे। उसी रात सभी लोग पड़ी हुई चीजों को जलाकर ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उन्हें अपने पैसे को भी जलाना पड़ा। अब उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था इस दुनिया में इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं, जब कुदरत अपना कहर बरसाती है तो उनके सामने इंसान की कोई चीज काम नहीं आती। इसी रात उनके सामने एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, तभी अचानक से पहाड़ी से बर्फ की चट्टान खिसकने लगती है और सारा का सारा बर्फ समुन्दर की लहरों की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बर्फ की चट्टान उनके प्लेन से टकराते ही जिसके अंदर सो रहे थे सभी लोग, जिन्हें जोरदार झटका लगता है और अंदर चला जाता है बहुत सारा बर्फ। ऐसे में बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे मगर बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके प्लेन का टुकड़ा बर्फ के नीचे पूरी तरह से दब चुका था। अगले दिन तक तूफान चलता रहता है, जब तूफान थमता है तो बड़ी मुश्किल से वे बर्फ को खोदकर बाहर निकलते हैं। बाहर कुलदेव भी बैठा हुआ था, बताता है कि देखो कितने दिनों बाद सूरज निकला है, लगता है ऊपर वाला साथ दे रहा है। मगर इस हादसे में 8 और लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। सभी लोग अब बाहर निकलते हैं, प्लेन के ऊपर के बर्फ को हटा देते हैं। अब पूरे 50 दिन बीत चुके हैं जिससे रातें छोटी और दिन बड़े होंगे। अब ये फिर से तीसरी बार उस बैटरी को लाना चाहते हैं। इस बार ये टीम तैयार करते हैं, खाने के लिए कुछ सामान भी ले लेते हैं। इनका दूसरा भी प्लान था, अगर इन्हें बैटरी के साथ प्लेन का दूसरा हिस्सा नहीं मिला तो वे वापस नहीं आएंगे बल्कि आगे का सफर तय करेंगे और कोशिश करेंगे इस पहाड़ी के दर्रे से बाहर निकलने का। अब इनमें से 3 लोग बैटरी को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। कुछ ही समय में सफर तय करने के बाद उन्हें प्लेन के पीछे का हिस्सा मिल जाता है। यहाँ उन्हें कपड़े, सामान और खाने के लिए कुछ चॉकलेट मिलते हैं। इस तरह वे बहुत खुश थे। सबसे जरूरी थी बैटरी, वह भी उन्हें मिल चुकी थी मगर बैटरी बहुत भारी था, उन्हें यहाँ से उठाकर ले जाना नामुमकिन है। इसलिए ये उस आदमी को वहाँ पर लाना चाहते हैं जो वायर को जोड़कर रेडियो को ऑन कर सकता है, क्योंकि जहाज का दूसरा हिस्सा उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं था, उनसे लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी रेडियो ऑन नहीं होता। अब नानक चाहता है कि हमें इन पहाड़ी दर्रों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन उनमें से कोई बात नहीं मानता उसकी। अब चारों वापस उसी जगह पर जाते हैं, हालांकि तूफान भी शुरू हो गया था जिससे उन्हें वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन नानक तो यही चाहता है कि वे किसी तरह से यहाँ से निकले, पर उनकी बात कहाँ कोई सुनने वाला था। अब पूरे 61 दिन बीत चुके थे इसलिए नानक के साथ आकाश और केशव यहाँ से जाने को तैयार थे।
ये तीनों यहाँ से जा रहे थे तो कुलदेव आखिरी बार मिलकर उन तीनों को बताता है कि मैंने कल रात सपना देखा था, तुम हरी भरी घाटियों में पहुँच चुके हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अब ये तीनों यहाँ से निकल चुके थे। दो दिन का लंबा और खतरनाक सफर तय करने के बाद ये एक ऊंची चोटी के पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। जब ये चारों तरफ का नजारा घूमकर देखते हैं तो चारों तरफ पहाड़ी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर केशव पहाड़ी पर लेट जाता है, वह पूरी तरह से हार चुका था। तभी नानक बताता है कि उन दो पहाड़ियों के बीच देखो, पहाड़ियों के बीच मुझे बर्फ नहीं दिख रहा है, जरूर वहाँ घाटियाँ होंगी, जो लगभग उनसे 50 मील की दूरी पर था, यानी लगभग 80 किलोमीटर। इसलिए केशव का मानना था इतना लंबा सफर तय करने से पहले ही हम मर जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर 50 मील चलना कोई आसान काम नहीं है, और तो और ये थक चुके हैं। लेकिन नानक हार नहीं मानता कि हमने 70 दिनों तक हार नहीं मानी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए वे आकाश को वापस भेज देते हैं ताकि उनके पास ज्यादा राशन बच सके। आकाश वापस जा चुका है। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर। नानक और केशव को पता है कि इसमें इनकी जान भी जा सकती है, मगर ऊपर वाला साथ देता है इनका। 12 दिनों तक सफर करने के बाद ये इन पहाड़ियों से निकल जाते हैं। अब ये एक सुंदर घाटी के सामने पहुंच चुके हैं जहां नदियां हैं, जहां पर लोग भी हैं। दूसरी तरफ सभी लोग अब पहाड़ों में फंसे हुए थे, सभी लोग बुरी तरह से हिम्मत हार चुके हैं, खाने का कुछ भी बचा नहीं था। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। यह हेलीकॉप्टर आर्मी के ही थे जो उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, जिसमें केशव और नानक भी बैठा हुआ था। सभी हेलीकॉप्टर को देखकर नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनकी जिंदगी बच गई है। सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है और जितनी भी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी सभी को दफन कर दिया जाता है और उनकी याद में एक क्रॉस भी लगाया गया। तो यह थी 1972 में घटी एक सच्ची कहानी जिसमें लगभग 29 लोग मारे गए थे, आखिर में सिर्फ 16 लोग बच सके। तभी से इस घटना को आज तक कोई भुला नहीं सका। जाते जाते ये सच्ची कहानी हमें एक चीज सिखा कर जाती है, किसी भी बुरी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं खोना चाहिए। यह भी सच है कि बुरी परिस्थितियों में हिम्मत बनाए रखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी बहन और माँ के मरने के बाद भी नानक हिम्मत दिखाया, जिससे वह खुद ही नहीं बल्कि लोगों की भी जान बचाई। इस कहानी के हर करेक्टर का रियल नेम कुछ इस तरह है। इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को लेकर आपके मन में क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं एक और नए सच्ची कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।